नमस्कार दोस्तों, वीएनएम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैनरा बैंक में डेबिट कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे पास भरा हुआ फॉर्म है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है, आपको अपना नाम यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपको न्यू कार्ड चाहिए, एडिशनल कार्ड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। अभी हम न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये न्यू पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है आपका डेबिट कार्ड का टाइप, यानी रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड होते हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर यहाँ टिक कर देंगे। एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे हर कार्ड के अलग अलग चार्ज हैं, वो एक बार बैंक से आप पता कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पैन नंबर, यानी आपका पैन कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। मोबाइल नंबर, आपका जो भी खाते में मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों, नेम एज रिक्वायर्ड ऑन द कैनरा डेबिट कार्ड, यानी आपको जो भी कार्ड पर नाम प्रिंट चाहिए वो यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपके डॉक्यूमेंट आईडी पे नाम होगा वही लिखिए, और जो बैंक अकाउंट में नाम हो वही यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका कैनरा बैंक का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, इस पर टिक कर देंगे। अभी मैं सेविंग पे टिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपना पूरा अकाउंट नंबर सही सही लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे पलट लेंगे, और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उसे ध्यान से पूरी पढ़ लेंगे, और यहाँ पे अपने जो भी खाते में आपके साइन है वो यहाँ पे कर देंगे। साइन वही करेंगे जो खाते में आपने रजिस्टर्ड ऑलरेडी करा रखे हैं। ये नीचे ऑफिस यूज ओनली है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसको फॉर्म को एक पैन कार्ड की कॉपी लेके उसे सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपनी होम ब्रांच में सबमिट कर देंगे। दोस्तों जो भी वर्किंग डेज हैं बैंक के, 8 या 10 दिन में आपका कार्ड पोस्ट द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।